इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने नामांकन भर दिया है। पहले खबर आई थी कि उनके नॉमिनेशन में कुछ टेक्निकल दिक्कत है और इसकी वजह से करीब 2 घंटे तक वो एसडीओ ऑफिस में रहे, लेकिन अब उन्होंने नामांकन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पेपर्स में कोई कमी नहीं थी। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद शुभेंदु ने क्या कहा, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। दिन बोली जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राज्य सवार हाथे চাকরি সবার মাথায় পুলিশের রেশন সরকারি কর্মচারী দিয়ে এটাই তো রাম রাজ্য। দাদা যে জমিতে হাসপাতাল আপনি নন্দী কাটা, যে জমিতে মমতা শুরু হয়েছিল সেই জমিতেই কি শেষ? যে জমিতে মমতা শুরু, না না শেষ কেন হবে, সকলেই বেঁচে থাকবে, 100 বছরের উপরে সকলের আয়ু হবে, সকলেই রাজনীতিতে থাকবে, কারোর অবস্থা এসইউসি পার্টির মতো হবে, কারোর অবস্থা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পার্টি বিজেপির মতো হবে। ইয়ার কুছ চুনাইতে নেই হ্যায়, ডাবল ইঞ্জিন সরকার বাননে বালি হ্যায়, মোদি জি কা সরকার, দোনো হাথ মে দোনো লাড্ডু, কলকাতা দিল্লি, উধার মোদি জি ইধার ভাজপা কা সরকার। আমি ভাই গণৎকার নই, আমি আগে থেকে বলেছি ভাজপের যে প্রার্থী হবে কমলের পদ্ম ফুলে সে হাফ লাখ ভোটে জিতবে, আমাদের পার্টি করে কি ডাউন করবে? না না আমি শেষে গেছিলাম তো, আমার সব সৈকত তোলো ইলেকশন এজেন্ট, আমি আর পরে আর আসতে পারবো না ক্যাম্পেনের জন্য, ইলেকশন এজেন্ট নিয়োগ এক্সপেন্ডিচার এজেন্ট নিয়োগ সব কমপ্লিট করে চলে যাবে। হ্যাঁ নন্দীগ্রামের ভোটার আমি, অ্যাপ্লাই করেছিলাম, ইলেকশন কমিশন আমাকে আই কার্ড দিয়েছে। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं शुभेंदु अधिकारी ने बताया, जब सबसे बाहर निकल के उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, उन्होंने कहा कि राम राज्य, तो पूछा कि राम राज्य क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि राम राज्य का मतलब है कि सबको सबके पास रोजगार होगा और सर पर सुरक्षा होगी, खाने को मिलेगा। उसके बाद उनसे पूछा गया कि जिस नंदीग्राम से ममता की शुरुआत हुई थी वहीं पर क्या वो खत्म हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कभी खत्म होगा, ममता बनर्जी हो कोई भी हो 100 साल वो जिए, कोई हो तो बीजेपी की पार्टी की तरह सर्वव्यापी बने। इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो नंदीग्राम के वोटर हो गए, उन्होंने कहा कि हाँ मैं नंदीग्राम का वोटर हो गया हूँ, मैंने अप्लाई किया था। फिर उनसे सवाल पूछा गया क्या आपसे क्या आपके पेपर में कोई त्रुटि थी, उन्होंने कहा कि कोई त्रुटि नहीं थी, मैं लास्ट में गया था इसलिए ज्यादा वक्त लगा मुझे सिग्नेचर्स करने में, बहुत सारे पेपर्स थे। अरे আমি তো ভূমিপুত্র, উনি 5 বছর অন্তর আসেন, আমি তো সব সময় থাকি, ওই 50-52টা বুথে একটু খেলাধুলা করার ইচ্ছা আছে আছে ধরে, আর আমি যদি নিজে থাকি এগুলো করতে পারবে না, বুঝলে তো আমাকে হলদিয়ায় ভোট দিয়ে যেত তো ওই 1 ঘন্টায় অনেক মেরে দিত, এবার আর পারবে না, আগের দিন রাতে থেকে থাকবো, ভোর 5টা থেকে ঘুরবো। नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला कांटे का है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता इस जंग में जीत शुभेंदु अधिकारी की ही बता रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में हमारी रिपोर्टर अर्चना सिंह भी मौजूद थी, उन्होंने एक खास रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। शुभेंदु अधिकारी अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और इस बार वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान भी हैं। बेहद महत्वपूर्ण है ये चुनाव क्योंकि इस बार उनके सामने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती दी है कि 50,000 से कम वोटों से अगर ममता दीदी को हराया तो राजनीति छोड़ दूंगा, यानी ये शुभेंदु अधिकारी के लिए सिर्फ राजनीतिक लड़ाई ही नहीं बल्कि एक अहम की लड़ाई भी बन गया है। उन्होंने जो चुनौती दी है उसके बाद ये देखना होगा कि वाकई इस मार्जिन तक वो पहुंच पाते हैं या नहीं, और इस वजह ये है इस कॉन्फिडेंस की क्योंकि पिछली बार वो 40% मतों के अंतर से जीते थे, 67% मत मिले थे शुभेंदु अधिकारी को, यानी मार्जिन जो था जीत का वो 40% था और इसी वजह से इतना कॉन्फिडेंस है शुभेंदु अधिकारी को। वो सबसे पहले 2006 में विधायक चुने गए और अब वो उसके बाद 2 बार सांसद चुने गए और अब एक बार फिर से वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं। 2016 में वो नंदीग्राम से चुनाव जीते थे लेकिन तब वो टीएमसी में थे, अब वो बीजेपी में हैं। हल्दिया की विधायक जो थी सीपीएम में थी।
शुभेंदु अधिकारी और तापसी मंडल अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और इस वक्त बाहर उनके तमाम समर्थक हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी के समर्थक हैं, इनको उम्मीद है कि बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। और शुभेंदु अधिकारी तो 50,000 का दावा करते हैं, लेकिन समर्थक ज्यादा उत्साहित है, वो 1,00,000 का दावा करते हैं। ये बताइए शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। अच्छा, वोट का मार्जिन कम होगा या बढ़ेगा? बहुत ज्यादा होगा। वोट का मार्जिन बढ़ेगा शुभेंदु का या कम होगा? शुभेंदु अधिकारी। दीदी घायल हुई है, सहानुभूति सिंपैथी है लोगों की ममता दीदी, तो उसके बाद शुभेंदु के वोट कम तो नहीं होंगे? शुभेंदु का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, शुभेंदु जीतेगा। शुभेंदु का नंदीग्राम का माटी शुभेंदु मालूम है, शुभेंदु मारे मिनिमम 5,000 वोट में जीतेगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री आए, केंद्रीय मंत्री, देखिए इनकी टी शर्ट पे स्मृति ईरानी की फोटो भी बनी हुई है, ये बताइए कि आप किसको समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर? हम तो बीजेपी के ही समर्थन कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे? शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे, हार के जीतेंगे। कितने वोट से जीतेंगे? अब दीदी, जब दीदी को चोट लगी है उसके बाद क्या वोट में अंतर कम तो नहीं होंगे शुभेंदु? नहीं, कम नहीं होगा, 50,000 वोट में ऐसे जीतेंगे, ऐसे चोक। हल्दिया की सीट जीत पाएगी बीजेपी? हल्दिया का सीट बीजेपी आंख बंद करके जीतेगी, क्योंकि सीपीएम की जो थी वो आ गई है, इसलिए सीपीएम में जो थी वो बीजेपी में आ गई है, वो यहाँ की विधायक थी, इसलिए सीपीएम में कोई आदमी वोट नहीं देगा। वो सीपीएम ममता बनर्जी का साथ एक साथ में लड़ाई कर रहा है, सीपीएम एक साथ में लड़ाई कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी जीतेगा, इधर में जो हल्दिया में तो तापसी मंडल जीतेगा। अच्छा, यहाँ पर जरूर जीतेगा, हमारे बीजेपी आज रुखार क्षमता पृथ्वी कारो साथ होने। शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे, लेकिन क्या तापसी मंडल भी जीत पाएंगी? क्योंकि सीपीएम से बीजेपी में आई है, क्या वोट मिलेंगे उन्हें? वोट मिलेगा, जबरदस्त वोट मिलेगा, 100% मिलेगा। ममता दीदी को चोट लगी, उसके बाद शुभेंदु का मार्जिन कम तो नहीं होगा? एकदम नहीं होगा, हमको पता है क्या हुआ है, कुछ भी कम नहीं होगा, बीजेपी जीतेगा ही। सामने मुख्यमंत्री है, असर तो पड़ेगा ना, मुकाबला कड़ा है कि नहीं मानते हो? नहीं, मुकाबला ही नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री लड़ रही है लेकिन मुकाबला नहीं है। मुकाबला है, जबरदस्त है, किंतु शुभेंदु ही जीतेगा। और नामांकन से पहले शुभेंदु ने आज मंदिर पूजा अर्चना भी की, इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।